सर आंसर राइटिंग बहुत मैटर करती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आता सबको होता है, न्यूमेरिकल्स वही आ रहे हैं जो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो उस आंसर को, उस डेरिवेशन को, थियोरेटिकल क्वेश्चन को, वो बहुत मैटर करता है. लाइक मैं ये मानता था कि जो प्रोफेसर्स पेपर चेक कर रहे हैं वो भी बहुत साल से वो बुक्स ही पढ़ रहे हैं जो स्टैंडर्ड रेफरेंसेज हैं, तो जिस तरीके से बुक में दिया होता था कोई डेरिवेशन मैं भी उसे उसी तरीके से लिखता था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आए तो फ्लो चार्ट बना सकते हो आप, कुछ फिगर बना सकते हो ताकि आपका टाइम भी कम लगे और आपका कंटेंट भी ज्यादा हो जाए, रिप्रेजेंटेटिव कंटेंट हो जाए आपका. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैमोमाइल टी विद द टॉपर्स एंड इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी. आई एम सौरभ कुमार पांडे, टीचिंग फॉर वेरियस यूपीएससी एग्जाम फ्रॉम लास्ट मोर देन 8 ईयर्स. और जैसा कि हम जानते हैं अब एग्जाम के लिए हमारे पास थोड़ा टाइम बचा हुआ है, तो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं अंकुश मंगला, इंजीनियरिंग सर्विसेज रैंक 2 2019. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये बीटेक अपीयरिंग में ही इन्होंने ये रैंक हासिल की, तो मुझे लगता है शायद इनसे बेहतर गाइडेंस आपको इस मोमेंट पर कोई नहीं दे सकता. हेलो अंकुश, तो मैं आपको वेलकम करता हूं इस शो में. थैंक यू सर. और मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों को जो गाइडेंस मिलेगी बहुत यूजफुल होगी उनकी प्रिपरेशन में. तो अंकुश, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने डिसाइड कब किया था इंजीनियरिंग सर्विसेज आपको तैयारी करनी चाहिए, कैसे मोटिवेशन आया? सर सेकेंड ईयर में ही मैंने डिसाइड किया था, क्योंकि कॉलेज में कुछ सीनियर्स थे जिनका क्लियर हुआ था एग्जाम्स, तो उनसे बात हुई, उसके बाद पता चला कि हाँ इंजीनियर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में जा सकते हैं वो. तो मैंने उसके बाद ही डिसाइड किया था कि ठीक है अब पढ़ना शुरू कर देते हैं कॉलेज में थोड़ा थोड़ा इसके लिए, और मैंने फिर सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया. यस सर. अंकुश, तो जो सीनियर आपके थे क्या वो कंटिन्यू आपको गाइड कर रहे थे कैसे कैसे प्रोसीड करना है? सर यस, मतलब जब भी मुझे कोई डाउट होता था तो मैं उनसे लाइक फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे मैं उनसे बात कर लेता था ताकि मेरा जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए. okay. और ऐसे ही सब प्रोसीड. अंकुश, आपका कॉलेज DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, तो इसी ब्रांच की तो पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी है वहाँ पर. हाँ सर. प्रोफेसर्स का भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिला होगा. तो अंकुश, जब आप फाइनल ईयर में आए तो आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया, फुल फ्लेज आपने कैसे प्रिपेयर किया? सर मैंने वीकेंड क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किया था डेली में ही. okay. और कॉलेज के साथ साथ ही उसी से प्रिपेयर किया था. ओके. तो आप अंकुश, सबसे पहले आप ये बच्चों को गाइड करें कि पेपर वन को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है. यस सर. और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में नंबर ऑफ सीट्स का भी हमेशा इशू रहता है, काफ़ी क्वेरी इसी चीज़ के ऊपर मिलती है कि सर ईसी में नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, कोई कहता है मैं प्राइवेट कॉलेज से हूँ, तो क्या जो टॉपर निकलते हैं क्या वो नासा से ट्रेनिंग लेके आते हैं? सर ऐसा एक गाइडेंस ये भी बच्चों को मिलनी चाहिए कि क्या एक एवरेज स्टूडेंट और क्या एवरेज जैसा कुछ होता है? सर मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है, जो मेहनत करता है उसको नंबर भी आएंगे. हाँ ठीक है सर. और अगर आप पास्ट ईयर ट्रेंड्स देखोगे तो टॉपर्स के भी 100-110 मार्क्स ही आते हैं. okay. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द मल्टीपल सोर्सेज आप ये कर सकते हो कि एक ही सोर्स रखो, उसी को बार बार रिवाइज करो. लाइक देयर आर टॉपिक्स, मैथ्स है, एप्टीट्यूड है, एनवायरमेंट है, वो काफ़ी स्कोरिंग है ना, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और सिलेबस भी काफ़ी लिमिटेड ही है, तो आप उन पे फोकस ज़्यादा करो क्योंकि आप फुल मार्क्स वहाँ स्कोर कर सकते हो. तो मेरा भी यही प्लान था और यही स्ट्रैटेजी थी. मतलब ये तो है कि एक एवरेज बच्चा भी इंजीनियरिंग सर्विसेज को फोकस कर सकता yes, है, भले ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन क्यों ना हो. yes, है ना, जो एक ट्रेंड से लोगों ने बना दिया सर इसी में तो बहुत टफ हो गया, सीटें कम हो रही हैं. तो वन बाई वन हम चलते हैं अंकुश, जो पेपर वन में GS वाले पार्ट में 10 टॉपिक हैं. हाँ जी. 10 टॉपिक में आपने कैसे बैलेंस किया, कितने टाइम में क्या कवर किया, या क्योंकि टेक्निकल तो इतना सारा सिलेबस है. यस सर. फिर उसके साथ जीएस को बैलेंस करना अपने आप में बहुत हेक्टिक हो गया होगा, है ना? तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जीएस पेपर वन ये किस तरह से आपने टारगेट किया, किस तरह के सोर्सेज आपने रेफर किए कि आपका स्कोर आप अच्छा अचीव कर पाए, क्योंकि पेपर वन बहुत डिसाइडिंग फैक्टर तो है. यस सर. तो सर पहला मैथ्स मेरा स्कोरिंग सब्जेक्ट था ही शुरू से, तो मैंने पहले मैथ्स पढ़ा. ओके. क्योंकि उसमें अराउंड 10 क्वेश्चन आते हैं और आप फुल स्कोर कर सकते हो. फिर उसके बाद एप्टीट्यूड मैंने पढ़ा था. ओके. मैथ्स सेकंड एप्टीट्यूड. फिर थर्ड एनवायरनमेंट था सर, एनवायरनमेंट के क्लास नोट्स थे, प्लस मैंने क्लास 12th की जो एनसीईआरटी बुक होती है उससे भी पढ़ा था. लास्ट के 4 चैप्टर्स जो बायोलॉजी एनसीईआरटी के. ठीक है सर. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी काफी क्वेश्चन आते हैं और उसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जैसे पर्ट सीपीएम वगैरह. 5 हो गए. तो पहला अंकुश ने बताया मैथ्स, फिर एप्टी बताया, फिर एनवायरमेंटल स्टडीज की बात की, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. yes, अंकुश, मटेरियल साइंस जो एक टॉपिक है yes, उसका 30-40% एरिया तो इसी का पार्ट है. yes, जैसे सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक, ये सब चीजें पूछ लेता है.
हॉल इफेक्ट क्वेश्चन आ गया था और कुछ पार्ट उसका मैकेनिकल ओरिएंटेड है सर। पर मैंने ऑब्जर्व ये किया कि मैकेनिकल की तरफ से क्वेश्चन ज्यादा थे मटेरियल साइंस के, तो क्या मटेरियल साइंस भी पहले तैयार करना इसी वाले के लिए बेनिफिशियल होगा? सर मैंने वो लास्ट में किया था क्योंकि मुझे लगता था मैं भूल जाऊंगा अगर पहले ही पढ़ के रखूंगा उसे, तो मैंने वो टॉपिक बाद में किया था, लेकिन हाँ इसी वाला जो मटेरियल साइंस था वो पहले से कवर्ड था मेरा। ओके, तो 5 टॉपिक हो गए। हाँ, तो इन 5 के बाद फिर बाकी 5 जो बचे उनकी अप्रोच कैसे कर रखे? सर ड्राइंग का मैंने अच्छे से नहीं किया था क्योंकि ड्राइंग के क्वेश्चंस एक या दो आते थे और मुझे डिजाइन सेफ्टी ज्यादा बेटर है, डिजाइन सेफ्टी बेटर कम टाइम में हो जाता है, कम टाइम में हो जाएगा। और सर एथिक्स का क्या हुआ था, एथिक्स के क्लास नोट्स थे प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब मैंने देखे थे कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस थे, आप क्वेश्चन पढ़ के भी कर सकते हो अच्छे से अगर आपकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी है। हाँ, क्योंकि उसमें कुछ जनरल स्टेटमेंट आते हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका इनर कंसाइंस से ही वो क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, तो ये तो बात हुई जीएस पेपर वन को लेकर। पेपर वन की अब अंकुश, जो मेंस की तैयारी है वो आपने प्रीलिम्स के साथ में रखी थी या आपने बिल्कुल प्रीलिम्स के बाद उसको टारगेट किया? सर प्रीलिम्स से पहले मेरा सिर्फ प्रीलिम्स ही स्ट्रेटेजी थी, प्रीलिम्स के बाद मैंने मेंस का स्टार्ट किया था। प्रीलिम्स पहले आपने मेंस की तैयारी शुरू नहीं की थी? ओके, क्या प्रीलिम्स में जो टेक्निकल एरिया था आपने उनमें क्या क्या सोर्स फॉलो किए, टेक्निकल किस तरह से अप्रोच किया? जीएस पेपर वन जैसे आपने हमें गाइड किया बताया, तो फिर टेक्निकल की अप्रोच आपने कैसे रखी? सर सिंस मैं कॉलेज में ही था तो मेरे पास कॉलेज के नोट्स भी थे और बुक्स भी मैं साइड बाय साइड पढ़ ही रहा था, अपार्ट फ्रॉम दैट जो कोचिंग में जाता था वहाँ के नोट्स भी थे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं रिलीजियसली फॉलो करता था क्योंकि बहुत सारा पेपर भी उसी पैटर्न पे आता है जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंकुश, जैसे अब हमारे पास मान लो किसी बच्चे के पास 1 मंथ का टाइम है, 1.5 मंथ का टाइम है, तो प्रीवियस ईयर को वो ज्यादा टाइम दे या नोट्स को ज्यादा टाइम दे, या पहले सारे नोट्स रिवाइज करे फिर क्वेश्चन करे, या क्वेश्चन ज्यादा करता रहे और जहां जहां पे प्रॉब्लम हो वहां पे नोट्स रेफर करे? ये कंफ्यूजन बच्चों को बहुत रहता है। कई बार बच्चे कहते हैं सर हमने 2 बार नोट्स रिवाइज कर लिए, 3 बार रिवाइज कर लिए तो भी क्वेश्चन नहीं बन रहे। यस सर, तो एग्जाम की स्ट्रेटजी कैसे रखें, क्या करें? अंकुश एक क्वेश्चन ये भी आता है बच्चों का कि सर अब एग्जाम को 1 मंथ 1.5 मंथ बचा तो हम बार बार पहले कॉपी सारी रिवाइज करें फिर क्वेश्चनों को देखें, या ये बेटर होगा कि क्वेश्चंस को हम देखते जाएं जहां जहां प्रॉब्लम आए वहां नोट्स को देखें? क्योंकि नोट्स में ऐसा तो नहीं होगा कि हर टॉपिक पे क्वेश्चन आते होंगे, तो आप कैसे बच्चों को गाइड करेंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करके तब नोट्स में जहां दिक्कत आए उनको रेफर करें, या पहले कॉपी रिवाइज करके फिर क्वेश्चनों पर शिफ्ट करें, इसके बारे में कुछ बताइए। तो सर मैंने क्या किया था, मैंने क्विक रिविजन नोट्स बना रखे थे, एज इन अगर 500 पेजेस की कॉपी है तो कुछ 20-25 पेजेस में पूरा सब्जेक्ट समराइज कर रखा था, तो जब भी मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने होते थे तो मैं पहले वो नोट्स देखता था उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करता था, और अगर मुझे फिर मैंने क्वेश्चंस में ही मार्क कर लिया था कि सपोज कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे सॉल्व किया हुआ है, तो मैंने वो नोट्स में ही उन्हें ऐड कर लिया था ताकि पेपर से 1 वीक पहले मैं सिर्फ वही नोट्स रिवाइज करके पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए मेरा, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। तो जो आपने क्विक रिविजन नोट्स बनाए आपको आइडिया कैसे लगता था कि मुझे क्विक रिविजन में किन पॉइंट को ऐड करना है किन को नहीं करना है? आपने पहले प्रीवियस ईयर देखे उसके बाद ऐसा किया? ये आपको मतलब ये आइडिया कैसे लगा कि क्विक रिविजन में किसको रखना है किसको नहीं रखना? सर कुछ कुछ पार्ट जैसे टीचर्स नोट लिखवाते थे हमें कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है वो सब तो मैं रखता ही था, प्लस जो चीज़ें मुझे लगती थी मैं भूल जाऊंगा पेपर से पहले या वो ही मैं ऐड करता था, कुछ बहुत बेसिक चीज़ें ऐड करने का कोई पॉइंट नहीं है उसमें, फिर वो आपकी लेंथ ही बढ़ेंगे नोट्स की। और वो प्रीवियस ईयर में क्योंकि आप ही रखें। हाँ, वो आप ही रखें। अब अंकुश इसमें अभी जैसे 1 मंथ का टाइम है यस सर, और ईएस का देखें तो पेपर 1 पेपर 2 इस तरह से बना रखा है सिलेबस, तो बच्चे क्या करें, पहले पेपर 1 के सिलेबस सब्जेक्ट को कंप्लीट करते रहें या पेपर 2 को करें, या दोनों को बैलेंस बना के चलें? मतलब अगर कोई बच्चा 8 आवर्स तैयारी करता है या 10 आवर्स तैयारी करता है, और ये भी क्वेश्चन बच्चों का बहुत होता है कि कितना पढ़ना अच्छा माना जाता है, कई बार मैंने सुना है कि लोग कह देते 18 आवर्स पढ़ना चाहिए 20 आवर्स पढ़ना चाहिए, तो 20 आवर्स पढ़ना चाहिए 24 आवर्स तो होते हैं, कई बार लोग घड़ी देखना भूल जाते हैं ना कि पर डे 24 आवर्स है, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, आप कितने आवर्स स्टडी करते थे? सर एज इन मैं कॉलेज में था क्योंकि जब मेरी प्रिपरेशन चल रही थी तो 7 दिसंबर को मेरे एग्जाम खत्म हुए थे और 6 जनवरी को ही हमारा एक्चुअल पेपर था, तो 1 मंथ ही बचा था, तो उस टाइम पे मैं अराउंड 10 आवर्स पढ़ता था, उससे पहले लाइक 2-3 आवर्स एवरी डे हो सकता है। हाँ, और सर जीएस और टेक्निकल का बोलेंगे तो लाइक 60-70% टेक्निकल होता था, उसके बाद 20-30% मेरा जीएस का पार्ट होता था क्योंकि वेटेज भी इसी हिसाब से है और टेक्निकल में आप ज्यादा स्कोर भी कर सकते हैं, उसमें स्कोरिंग ज्यादा है। तो अंकुश जैसे आप बीटेक अपीयरिंग में थे तो कई बार बच्चे को ये क्वेश्चन रहते हैं कि सर जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो 3 मंथ्स तो एंथुजियाज्म बड़ा अच्छा रहा, यस सर, बहुत अच्छी तैयारी हम करते रहे, पर 4-5 मंथ के बाद आते आते नेगेटिविटी आने लगती है, लगता है कि सर सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाए, तो खुद को मोटिवेट कैसे रखा जाए
क्योंकि आप तो बीटेक अपीयरिंग थे, यस सर, और आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे, कैसे तैयारी कंटिन्यू कर पाते थे, क्योंकि ये चीजें तो आपके माइंड में भी आती होंगी, क्या आपको सेमेस्टर भी देना था और सेमेस्टर एग्जाम में गैप तो बहुत कम था, yes, आपने उसको भी ओवरकम किया, तो आप इसमें बच्चों को बताएं कि आप सेल्फ मोटिवेशन के लिए आप क्या फॉलो करते थे। सर, आई विल से दैट कीप द फाइनल गोल इन योर माइंड कि जो आपको अचीव करना है अगर आप उसे सोच के चलोगे ना कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो मेरा भी हमेशा ये होता था कि आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि लास्ट में सोचो क्या होने वाला है, अभी 6 months की पढ़ाई है उसके बाद सब कुछ अच्छा ही होगा, तो 6 months का सोच के पढ़ लो, लास्ट 6 months से पढ़ लेते हैं अभी। तो मैं भी यही करता था, और सर मैं टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करता था ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं किस स्टेज पे हूँ, क्या मैं अभी मेरे नेगेटिव्स हैं, क्या मेरे पॉजिटिव्स हैं, ताकि मैं उन पर वर्क कर सकूँ। तो सर यही करता था मैं। और क्या बच्चों को एक साथ बहुत सारे फॉर्म भरने चाहिए सिलेक्शन, उसमें चांस बढ़ जाते हैं क्या? सर ऐसा नहीं है, मतलब मैंने तो गेट भी नहीं दिया था, तो बेसिकली यही होना चाहिए कि आपका जो एक एग्ज़ाम है उस पर फोकस रहना चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट अलग है, हर एग्ज़ाम का सिलेबस तक अलग हो जाता है। इनफैक्ट आप गेट का ईएस का ही देख लोगे, पर कुछ लोग होते हैं जो करते हैं, लेकिन दे आर वेरी फ्यू। 2 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को पढ़ाया और मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के एस्पिरेंट्स को जनरल स्टडीज सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। मैं बनाऊंगा जीएस को सिंपल आपके लिए। स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट्स और कीजिए अपने डाउट्स क्लियर मेरे साथ। मैं हूं सौरभ कुमार पांडे और मैं अनअकैडमी प्लस पर ईएसई के लिए लाइव पढ़ाता हूं। तो आपने अंकुश बीआरसी भी क्वालिफाई किया हुआ था, है ना? करेंटली आप सैमसंग में वर्किंग भी हैं। यस सर। ओके, तो जो बीआरसी था वो भी अपीयरिंग में आपने निकाल दिया। यस सर, मार्च में एग्जाम हुआ था। और अच्छा, गुड। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अंकुश आपका काफ़ी अच्छा रहा, तो आपका एकेडमिक्स क्या 10th-12th के लेवल से बहुत स्ट्रांग था या बाद में इम्प्रूवमेंट आता गया, कैसे ये चीज़ें प्रोसीड होती गई? सर कॉलेज में ही, मतलब सिंस मैं सेकेंड ईयर से पता था मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना ही है, तो मैं इसी पे फोकस रखता था और आई ऑलवेज यूज टू बी अमंग द टॉप 5 ऑफ द क्लास, और स्कूल में भी ऐसे ही रहता था। तो ये थोड़ा अच्छा था मेरे लिए। चलिए, बहुत अच्छा। अब अंकुश, इसमें प्रीलिम्स आपने बता दिया, yes, 1 month में बच्चों को क्या करना है वो आपने बताया। टेक्निकल में एक पॉइंट अंकुश ये आ रहा है कि जो न्यू सब्जेक्ट ऐड हुए थे, yes, जब 17 में पैटर्न चेंज हुआ तो उनमें बहुत ज़्यादा मैटर अवेलेबल नहीं है। जैसे एडवांस कम्युनिकेशन का पार्ट है, VLSI का पार्ट है, जो न्यू सब्जेक्ट्स हैं उनको बच्चे डील कैसे करें? क्या आपने कोई स्पेसिफिक बुक उसको उसके लिए फॉलो की, या आपको कहीं कोई और मैटर मिल गया, या कोई बहुत अच्छे नोट्स आपने पढ़े? उन सब्जेक्ट्स के लिए बच्चों को जरूर गाइड करें, क्योंकि ईसी में बच्चों के बहुत क्वेश्चन हैं न्यू सब्जेक्ट्स को लेकर। सर जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, हर साल उसमें से 10 से 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप उसे छोड़ के नहीं जा सकते। तो मैंने क्लास में तो पढ़ा ही था और मेरे इलेक्ट्रिकल वाले फ्रेंड्स भी थे जो प्रिपेयर कर रहे थे एज इन गेट और ईएस के लिए, तो मैं उनके साथ 10 दिन रोज 2-2 घंटे शाम को बैठता था और वो मुझे गाइड करते थे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए एज इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के। ओके, तो ये तो बेसिक मशीन की बात हुई। यस सर। फिर एडवांस कम्युनिकेशन और VLSI, इनको आपने कैसे किया? सर एडवांस कम्युनिकेशन के तो अनअकैडमी पे मैं वीडियोस देखता था। ओके, और तो वहीं से वो मेरा हो गया था, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने पता कर लिया था कि ये टॉपिक्स हैं जहाँ से वो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इन पर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। एज इन अगर 5 क्वेश्चन भी है, आप 3 या 4 भी कर पा रहे हो तो इट्स गुड, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। और सर VLSI मेरा फाइनल सेमेस्टर में सब्जेक्ट भी था तो वो उसी के साथ कवर हो गया था। तो VLSI की कोई स्पेसिफिक बुक आपने फॉलो की? सर कॉलेज में जो बुक थी वही कैंग, एक बुक आती है 5th एडिशन, KANG ना, सीमोस बाय कैंग, तो मैंने उसी बुक से पढ़ा था। पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3, उसके 3rd, 4th, 5th चैप्टर पढ़ लो, दैट इज सफिशियंट फॉर द एग्जाम, एटलीस्ट ईएस के लिए सफिशियंट है वो। मतलब 3 ईयर के पेपर अगर बच्चा देखे और कैंग वाली बुक देखे तो आइडिया लग जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जी ओके, तो अंकुश आपने बता दिया हमें, जीएस के लिए आपने बताया, टेक्निकल को अप्रोच क्या करनी है, न्यू सब्जेक्ट जो ऐड हुए थे उसको क्या करना है। अब अंकुश ये बताएं, प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी हमारी हो गई, फिर आपने मेंस को कैसे टारगेट किया? सर प्रीलिम्स का जब मैं एग्जाम दे के आया था, बहुत सारी आंसर की मार्केट में आई जाती हैं तब तक, और आपको पता लग जाता है आप कितने पानी में हो, कितने आपके नंबर आ रहे हैं। करेक्ट, तो मुझे पता चल गया था कि ठीक है प्रीलिम्स तो क्लियर हो ही रहे। तो मैंने क्या किया था, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक आती है मेंस की, मैंने पहले वो देखा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर उस हिसाब से मैंने अपनी प्रिपरेशन आगे स्टार्ट करी थी। और क्या जो paper 1 paper 2 में डिवीजन है, आपने अल्टरनेट सब्जेक्ट्स कवर किए थे या पहले एक ही सब्जेक्ट को ज्यादा, एक ही सेक्शन को पहले पूरा कंप्लीट किया फिर सेकंड की तरफ स्विच किए आप? सर मेरे कुछ सब्जेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे, लाइक नेटवर्क हो गया, एनालॉग, EDC हो गया, तो पहले मैंने उन्हें खत्म कर लिया था कि ये पूरे हो जाए
और उन्हें और स्ट्रॉन्ग कर लो, उसमें कोई गलती होने की गुंजाइश ना हो। और फिर उसके बाद जो पेपर टू के सब्जेक्ट होते हैं लाइक कम्युनिकेशन, ईएमटी, फिर वो मैंने पढ़े थे। मतलब कुछ कोर सब्जेक्ट तो आपने अपनी स्ट्रेंथ डिफाइन कर ली थी, उनको पहले अच्छा कर लिया, उसके बाद बैलेंस बनाना शुरू किया है ना। ओके, एक चीज अंकुश, और जो प्रीलिम्स का पेपर होता है क्या उसके लिए कुछ कन्वेंशनल लगाने चाहिए? जैसे इसको लेके बड़े क्वेश्चन आते हैं कि सर कन्वेंशनल पहले सॉल्व करना है कि नहीं करना, या फुली बाद में करना है, तो क्या थोड़े बहुत कन्वेंशनल जो गुड क्वालिटी कन्वेंशनल होते हैं कि एक क्वेश्चन में 5-6 कंसेप्ट कवर हो गए कि कंट्रोल आपने पढ़ा तो उसमें गेन मार्जिन भी पूछ लिया, फेज मार्जिन भी पूछ लिया, फ्रिक्वेंसी भी पूछ लिया, स्टेबिलिटी पूछ लिया, तो क्या इस तरह के कन्वेंशनल हमें अप्रोच करने चाहिए प्रीलिम्स के पहले? सर अगर सिर्फ ईएस के प्रीलिम्स की बात हो रही है तो आई डोंट थिंक की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आते हैं और ज्यादा एज इन कैलकुलेशन वाले नहीं आते। लेकिन अगर आप गेट का भी प्रिपेयर कर रहे हो और इफ यू हैव टाइम तो तब आप देख सकते हो। मैंने ये नहीं किया था क्योंकि मेरे पास टाइम ही काफी कम था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये भी बात क्लियर हो गई कि आपको इसको लेकर परेशान होने की भी जरूरत नहीं है कि कन्वेंशनल में नहीं लगा पाया सर, प्रीलिम्स के लिए क्या कन्वेंशनल पहले पूरे सॉल्व करने चाहिए थे, या पहले मैं मेंस प्रिपेयर कर लेता तो प्रीलिम्स उसी में कवर हो जाता। तो अंकुश ने इसको फॉलो नहीं किया था, उन्होंने बताया कि जो कन्वेंशनल का पार्ट है वो उन्होंने प्रीलिम्स के बाद ही तैयार किया है। तो अंकुश मेंस भी होपफुली काफी अच्छा स्कोर आपने किया। अब उसके बाद फिर तीसरी स्टेज आती है इंटरव्यू। यस सर। इंटरव्यू के लिए आपने किस तरह से अप्रोच किया, क्या आपकी तैयारी रही? सर सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के लिए होता है डेफ, दैट इज डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो मैंने पहले कोरा पे सर्च किया, अपने सीनियर से पूछा कि कैसे भरना चाहिए, टीचर से बात करी, उसमें एक एक पॉइंट जो आप लिख रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने काफी टाइम लेके अपना डेफ भरा, लोगों से मार्क करवाया, अपनी मम्मी पापा सबको दिखाया कि आप बताओ इसमें कि कौन सी चीज आप मुझसे पूछ सकते हो इस फॉर्म को देख के, राइट? जैसे मेरे नाम का मतलब क्या है, मेरे स्कूल के नेम का मतलब क्या है, मेरे पिन कोड का मतलब क्या है। तो फिर वो जो क्वेश्चंस बोलते थे और मैं अपने फ्रेंड से भी पूछता था, तो ऐसे मैंने प्रिपेयर किया था। आई गिव लाइक 2-3 मॉक इंटरव्यूज एज वेल। तो आपका जो इंटरव्यू रहा वो ज्यादा टेक्निकल ओरिएंटेड था या जनरलाइज क्वेश्चन भी ज्यादा थे? सर मेरा इंटरव्यू सुजाता मेहता मैम ने लिया था और उसमें सब डेफ के क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे, जो ईसी में करंट चल रहा है वो भी था, मेरी जॉब प्रोफाइल के क्वेश्चंस भी थे और टेक्निकल भी थे उसके बाद, और हॉबीज के भी थे। हाँ हॉबीज के भी थे। ओके, और कुछ एक क्वेश्चन मेरा इस पे और है कि जो बच्चे जैसे नॉर्थ इंडिया से कुछ बच्चे आते हैं या रूरल बैकग्राउंड से हैं, उनको लैंग्वेज का बड़ा इशू रहता है कि सर इंटरव्यू में हम इंग्लिश बोलेंगे तो ही नंबर ज़्यादा मिलेंगे, या हम हिंदी भी बोल सकते हैं, ये जो लैंग्वेज का बैरियर है क्या यूपीएससी के इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपको ऐसा लगता है? सर मुझे लगता है बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें बोलो, वो लोग वहाँ बैठे होते हैं उन्हें आपकी नॉलेज चेक करनी है, आपकी लैंग्वेज चेक करने के लिए नहीं है वो। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें बोलो, और जितनी आपकी एफिशिएंसी होगी, जितनी आपकी कैपेबिलिटी होगी, वो उतने ही आपको नंबर देंगे। और एक क्वेश्चन अंकुश मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि क्या इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आंसर करना अच्छा माना जाता है? जैसे लोगों को ये लगता है कि सर 10 क्वेश्चन पूछे थे और मैं बस 4 का आंसर कर पाया तो मेरे नंबर कम आ जाएंगे, और मेरे बगल में जो बैठा था 10 में 9 करके आया तो उसके मार्क्स मुझसे ज़्यादा आ जाएंगे। फिर टाइम को लेके बोलते हैं कि मेरा इंटरव्यू 20 मिनट चला, मेरे पड़ोसी का इंटरव्यू 1 आवर चला, तो क्या ये चीज़ें मैटर करती हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आंसर करना, कि आप बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आंसर कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं, ये क्या ये उससे बेटर नहीं होगा कि कम आंसर परफेक्टली किए जाएं? आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? सर मेरे खुद के इंटरव्यू में बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आते थे, और ब्लफ करने से अच्छा मैंने बोल दिया था कि मैंने पढ़ा ही नहीं है या फिर मुझे मतलब पता ही नहीं है इसके बारे में, और मुझे लगता है कि ये चीज़ काम करी क्योंकि मेरे इंटरव्यू में सही स्कोर आया है। और सर टाइम भी एज सच कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि डिपेंड कर रहा है पैनलिस्ट कौन है और आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेरा खुद का इंटरव्यू कुछ 20-25 मिनट्स हुआ था, और कई लोगों का होता है 45 मिनट्स भी, बट मार्क्स उस पर डिपेंड नहीं करते। तो ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट ब्लफ आई विल से। यस। और अंकुश एक क्वेश्चन और कि जीएस पेपर जिस तरह का आ रहा है, जो लास्ट 3 ईयर में पैटर्न रहा, उसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हम पूरे पेपर का 90% से ऊपर सॉल्व करना मस्ट है तभी स्कोर अच्छा होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़े क्वेश्चन तुक्के भी लगाने हैं, रिस्क ले लिए जाए, तो पेपर 1 को लेकर कैसे प्लान किया जाए? क्या बहुत ज्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट करना एक अच्छी अप्रोच है? सर अगर आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखोगे टॉपर्स के मार्क्स तो 110-105 इतने ही आ रहे हैं, तो इससे पता चल जाता है कि आप 60% क्वेश्चन भी फुल एक्यूरेसी से करके आओगे तो यू आर इन द लिस्ट, एटलीस्ट कुछ बेरा नहीं होने वाला उससे। तो सर मैं टेस्ट सीरीज करता था और एक्यूरेसी मेरी यही होती थी कि अगर मैं 70 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो 65-64 मेरे सही होते थे। तो मैंने फाइनल पेपर में भी कुछ 70 के आसपास क्वेश्चन किए थे, ऑल्दो तब एक्यूरेसी थोड़ी कम रही पर पेपर भी थोड़ा अजीब ही आया था इस बार। अंकुश एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे अभी इसरो का एग्जाम आने वाला है,
इंजीनियरिंग सर्विसेज है, गेट है, डीआरडीओ है, बैक टू बैक अब कई वैकेंसी इस तरह की आएंगी। तो जैसे कि आपने बताया कि बीएआरसी और इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों आपने साथ में निकाले, फाइनल ईयर अपीयरिंग में आप थे और सेमेस्टर एग्जाम भी थे आपके साथ, तो वो भी आपने किया। अब आप ये थोड़ा सा बच्चों को गाइड करें कि इतने सारे एग्ज़ाम हैं तो वो कन्फ्यूज़न में ना पड़ें, किस तरह से वो बैलेंस बनाएं। सर बहुत सारे एग्जाम्स तो ओवरलैपिंग सिलेबस भी है, जैसे आप डीआरडीओ का सिलेबस देखोगे तो इंजीनियरिंग सर्विसेज से फुल सिलेबस ओवरलैप कर रहा है। तो आप अगर ईएस के लिए प्रिपेयर कर ही रहे हो तो अपनी कॉम्पिटेंसी चेक कर सकते हो आप नेशनल लेवल पर, कीप इट एज अ बैकअप। आप डीआरडीओ दे दो, ऐसे ही इसरो है, इसरो का सिलेबस भी गेट के सिलेबस से ओवरलैप करता ही है। तो जितना सिलेबस गेट में आ रहा है आप उतना भी करके आ रहे हो पेपर में, तो आपका इसरो का एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरव्यूज होते हैं, इसमें इंटरव्यू काफ़ी मैटर करते हैं क्योंकि फुल वेटेज इंटरव्यू को दी जाती है। तो लाइक आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द मेन्स के एग्जाम के लिए, तो जो बुक्स मैं पढ़ रहा था वही बुक्स मैंने बाक के लिए भी पढ़ी थी और वही इंटरव्यू में भी मेरे से पूछा गया था। दे आस्क फॉर सम लाइक 3-4 सब्जेक्ट जो आपके फेवरेट हैं, तो मैंने उनमें एनालॉग और डिजिटल कंट्रोल और नेटवर्क ही बोला था एंड उसी में से क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे से। तो बीआरसी का इंटरव्यू तो बड़ा फेमस माना जाता है। यस सर। और आपने उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? वो बेसिकली क्या चेक करना चाहते हैं उसमें? सर एक्सपीरियंस मेरा अच्छा तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि मेरा इंटरव्यू 116 मिनट्स का हुआ था और दे स्टार्टेड 116 यस सर 116 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू था। तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक क्वेश्चन और उसके बाद अपना लेवल बढ़ाते जाते हैं और दे ऑल्सो हेल्प यू आउट कि आप जहाँ अटक रहे हो बट यू हैव टू गिव द राइट अप्रोच, इंस्टेड ऑफ गिविंग टू द आंसर अप्रोच आपकी देखते हैं वो कैसी है। हाँ, क्योंकि वो रिसर्च ओरिएंटेड है, तो नॉलेज तो मैटर करेगा ही। तो अंकुश, अब फ्यूचर के लिए आपके क्या गोल हैं और आप क्या टारगेट करना चाहते हैं इसके बाद? सर फ्यूचर का गोल तो मेरा अभी सिविल सर्विसेज के लिए ही है। ओके। और उसी की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करी है। नहीं बिल्कुल अंकुश, हम आशा करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी आप निकालेंगे। जब आपने अपियरिंग में ही बार निकाल दिया, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, ईएस निकाल दिया, तो आई होप कि सिविल सर्विसेज भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा आपका, क्योंकि स्ट्रेटजी अप्रोच आपको सब पता लग गई। yes, जिनको समझने में लोगों को टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अंकुश, आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड और बताइए कि स्कूल टाइम से लेकर कैसे आप इंजीनियरिंग में गए, क्या फैमिली में पहले ही कोई लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज में या हायर किसी जॉब पे रहे जो आपको लगातार गाइड करते रहे? सर मेरे बड़े भाई हैं वो इंजीनियर ही हैं, तो ही वॉज अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, उन्हीं की वजह से मैंने ईसी इंजीनियरिंग ली थी। okay. और सर फैमिली फ्रेंड हैं जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे, तो उनसे भी एक बार इंटरेक्ट करने को मिला था। उन्होंने भी बोला था कि इट्स अ गुड ऑप्शन, यू कैन ऑप्ट फॉर इट, एटलीस्ट ट्राई करके देख लो, तो अगर होता है तो इट्स वेल एंड गुड। तो दे वर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। और मेरे पापा इंजीनियर नहीं है बट भैया इंजीनियर हैं। और स्कूल टाइम का आपका एकेडमिक्स वगैरह सब कैसा चला? सर स्कूल स्टूडेंट थे या बहुत एक्सीलेंट थे? I was one among the toppers throughout the school. Okay. So that was good for me. और hobbies वगैरह क्या पसंद है आपको? Sir मुझे painting पसंद है और cooking भी पसंद है। In fact मुझसे interview में भी इस पे question पूछा गया था कि good. Yeah. It's a good hobby. थोड़ा सा unusual भी लगता है सुनने में ना, तो वो interview में जो interview लेते हैं उनको interest आ जाता है इस बात में। Yes sir. तो ये भी पूछा ही गया होगा, है ना? Cooking भी अच्छा रहा आपका। और इसमें अंकुश strictly do's and don'ts क्या होने चाहिए जो एक बिगिनर आपको देखे, एब्सोल्यूट बिगिनर, तो वह स्टार्टिंग में ही फर्स्ट डे से ही अगर आपका इंटरव्यू देख रहा है उसको पता लग गया, तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप डूज एंड डोंट्स क्या कहना चाहेंगे उसको? सर डूज तो मैं बोलूंगा, पहले आप सिलेबस देखो कि सिलेबस की रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत सारा सिलेबस है, हर सब्जेक्ट में अनलिमिटेड कंटेंट है, उतना करने की जरूरत नहीं है। आप पहले देखो कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या पढ़ना है आपको, और कीप योर सोर्सेज मिनिमम। हर मतलब अगर एक किताब सब्जेक्ट के लिए 10 किताबें अवेलेबल हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 10 की 10 पढ़ने बैठ जाओगे। एक किताब रखो, उसे 10 बार पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने चाहिए और टेस्ट सीरीज भी। दैट वुड हेल्प यू कि आप कहाँ हो अभी और क्या आपको क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। करेक्ट। और सर डोंट्स भी मैं यही बोलूंगा कि मल्टीपल बुक्स के लिए मत जाओ और ऑलवेज कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2 दिन पढ़े और उसके बाद आपका हो गया कि अब मेरी बहुत पढ़ाई हो गई तो 2-3 दिन का रेस्ट ले लेता हूँ। रेगुलरिटी होनी चाहिए। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई कॉलेज एग्जाम तो नहीं है कि बस पासिंग करना है। कंपटीशन का तो मतलब ही है कि आप अपने सराउंडिंग वाले से कितना बेटर हैं। यस सर। आप अपने कंप्यूटर से कितना बेटर हैं। कंपटीशन इज ऑल अबाउट दैट ओनली। अंकुश, मेंस का जो आंसर राइटिंग का पार्ट होता है, आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए? सर आंसर राइटिंग बहुत मैटर करती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आता सबको होता है, न्यूमेरिकल्स वही आ रहे हैं जो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो उस आंसर को, उस डेरिवेशन को, थियोरेटिकल क्वेश्चन को, वो बहुत मैटर करता है। लाइक मैं ये मानता था कि जो प्रोफेसर्स पेपर चेक कर रहे हैं वो भी बहुत साल से वो बुक्स ही पढ़ रहे हैं जो स्टैंडर्ड रेफरेंसेज हैं,
तो जिस तरीके से बुक में दिया होता था कोई डेरिवेशन, मैं भी उसे उसी तरीके से लिखता था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आए तो फ्लो चार्ट बना सकते हो आप, कुछ फिगर बना सकते हो, ताकि आपका टाइम भी कम लगे और आपका कंटेंट भी ज़्यादा हो जाए, रिप्रेजेंटेटिव कंटेंट हो जाए आपका. तो ये मेरी स्ट्रैटेजी होती थी. और जो पेपर में चॉइस आती है कि इतने में से इतने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, तो आपका फोकस न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे ज़्यादा होता था या थ्योरेटिकल? ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ कि मार्क्स ज़्यादा कहाँ पर आ रहे हैं, आप अप्रोच किसको ज़्यादा करते थे? सर, ये आपको टेस्ट सीरीज से पता चलेगा कि आप किस में अच्छे हैं. जैसे मेरा ये होता था कि अगर मैं थियोरेटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो मुझे 15-16 मार्क्स मिल जाते थे. लेकिन अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया तो मैं करते करते बीच में गड़बड़ कर देता था, तो मेरे मार्क्स वहाँ कट जाते थे. ऑल्दो अगर आप फुल सही कर रहे हो तो आपको 18 मार्क्स मिलने की चांसेस होते हैं वहाँ पे, 18-19 मार्क्स. लेकिन सिंस मेरी एक्यूरेसी थोड़ी पुअर थी वहाँ पे, तो मैं ट्राई करता था कि एटलीस्ट जितने थियोरेटिकल क्वेश्चन आए और मुझे वो आते हैं, मैं वो तो सारे अटेम्प्ट कर ही दूँ. और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है. और जो थ्योरी आंसर आप करते थे, उनमें आप पैराग्राफ वाइज प्रेफर करते थे या पॉइंट वाइज लिखना ज़्यादा अच्छा रहता था? सर, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता था. अगर कुछ क्वेश्चन में मुझे लगता है कि एक एज अ स्टोरी बना अच्छा आता है, हाँ, तो? बहुत अच्छा आता है, स्टोरी बना के मैं लिख सकता हूँ, फिगर्स वगैरह है मेरे पास, तो मैं पैराग्राफ फॉर्म में लिखता था. अदरवाइज मेन मेन पॉइंट्स लिख के मैं क्वेश्चन खत्म कर देता था. और पूरा पेपर आप अलग अलग कलर से करते थे, मतलब हेडिंग अलग कलर से, या पूरा एक ही पेन से करते थे, सिर्फ हाईलाइट करने के लिए पेंसिल या कुछ यूज़ करते थे? सर, पेपर वन सिंस बहुत लेंथी पेपर आया था इस बारी, तो मैंने वो तो सिर्फ ब्लू पेन से ही किया था. लेकिन पेपर टू में टाइम था मेरे पास, तो जो मैंने फिगर्स वगैरह बनाए थे उनकी लेबलिंग या फिर लास्ट में जो मेरे आंसर आ रहे हैं उनमें मैंने ब्लैक पेन यूज़ किया था. और ये भी मुझे लगता है नहीं इसका कुछ इतना मैटर करता है, सिंस टेक्निकल एग्जाम. कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर कौन सा पेन यूज़ करें, पेंसिल से डायग्राम बनाएं, स्केल स्केल से डायग्राम बनाएं, ये इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार इस तरह के डाउट आए हुए हैं. और आपकी सर्विस प्रेफरेंस क्या रही अंकुश? सर, मेरी सर्विस प्रेफरेंस में फर्स्ट रेलवे सर्विस और सिग्नलिंग इंजीनियर है, सेकंड स्टोर्स, थर्ड ITS, फोर्थ पे रेडियो रेगुलेटरी सर्विस था, और उसके बाद नेवी वाली सर्विसेज थी. ओके अंकुश, मेरा एक क्वेश्चन और जोड़ना चाहता हूँ कि पूरी तैयारी में कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आता होगा, कभी कभी परेशान होते होंगे, और जब एग्ज़ाम जिस दिन था उस दिन आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, उसके लिए थोड़ा स्टूडेंट्स को बताएं कि क्या ये सबके साथ होता है या कुछ एक दो लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती होगी. तो एग्ज़ाम सेंटर पे जब आप पहुँचे उस समय स्टेट ऑफ माइंड कैसा था, उसके लिए थोड़ा बच्चों को आप बताएं. सर, एंग्जाइटी तो डेफिनेटली होती है क्योंकि आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो और लास्ट डे है, आपको जो करना है उसी दिन करना है, तो ऑब्वियसली मैं भी प्रेशर में था ही. और एग्ज़ाम डे वाले दिन लाइक पेपर से एक उस रात से मैंने पढ़ना छोड़ दिया था कि अब ठीक है जितना पढ़ा है पढ़ लिया, पेपर में अब करके आ जाएंगे. देवर पीपल जो सुबह सुबह भी पढ़ रहे थे, बट उन्हें देख के आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ा हुआ हैव फेथ इन योर सेल्फ और आपका डेफिनेटली एग्जाम हो ही जाएगा जैसा आप चाहते हो. मतलब कहने का मीनिंग ये हुआ इस बात का कि एग्ज़ाम के एक दिन दो दिन पहले प्रेशर फील होना, एंजाइटी होना या कुछ ऐसा लगना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो ऐसा नहीं कि किसी एक या दो बच्चे के साथ है, वो एक नेचुरल फिनोमेना है और हर किसी को इस फेज से गुजरना होता है, तो आप उसको लेकर पैनिक में ना आए. तो स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे डाउट हमने आपके कोशिश की कि कवर करें, जो भी आपको डाउट हो सकते थे कि लास्ट वन मंथ में क्या होना चाहिए, मैं फ्रेशर हूँ या मैं प्राइवेट कॉलेज से हूँ, एग्ज़ाम की अप्रोच क्या होनी चाहिए, कोई फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन नहीं आना चाहिए. जैसे आपने देखा कि अंकुश ने अपियरिंग में बीटेक के साथ साथ उन्होंने BRC भी निकाला, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी निकाला, तो आप कभी भी ये मत सोचें कि आप किसी से कम कैपेबल हैं. ऑल यू आर इक्वली कैपेबल, सिर्फ आपको इस डायरेक्शन में सोचने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, और जो भी गोल आपका है वो डेफिनेट गोल होना चाहिए विद द बर्निंग डिज़ायर. डिज़ायर ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको बिल्कुल कुछ और सोचना ही ना दे. जब आप लाइफ में एक बार इनिशिएटिव ले चुके, आगे बढ़ गए, तो जो पीछे ब्रिजेस है ना उनको बर्न कर देना चाहिए कि पीछे लौटने का ऑप्शन ना हो, आपको बस क्वालिफाई करना और क्वालिफाई करना है. और एक साथ मल्टीपल फॉर्म ऐसे ऐसे जिनकी सबकी अप्रोच अलग अलग है उनमें ना जाएं. तो अंकुश, लास्ट में आप ESE 2020 के लिए जो बच्चे अपियर होने जा रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं यही बोलूँगा कि अपना एम अपने दिमाग में रखो कि आपको क्या करना है फाइनली, और कीप मोटिवेटेड रहो, मोटिवेटेड तभी आप कर पाओगे. और कीप योर सोर्सेज एज मिनिमम एज पॉसिबल, उन्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज करो और डेफिनेटली यू अचीव द सक्सेस. तो अंकुश, हमारे शो में एक परंपरा है कि एक टॉपर किसी दूसरे टॉपर को टैग करता है कि आप किसको सोचते हैं, किसको टैग करें कि जो और अच्छी गाइडेंस बच्चों को दे पाएंगे और अच्छा इंस्पायर कर पाएंगे
तो आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं? सर आई विल नॉमिनेट रैंक वन ऑफ ईसी दिस ईयर, ही वाज रैंक वन इन गेट एज वेल, रजत सोनी. डेफिनेटली ही विल हैव सम इंस्पायरिंग थॉट्स टू गिव टू द लर्नर्स, तो आप उसे टैग. आई होप कि नेक्स्ट टाइम जो कैमोमाइल टी है वो रजत सोनी के साथ पी जाएगी यहाँ पर, और जैसे ही वो अवेलेबल होंगे तो रजत सोनी हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम कैमोमाइल टी आपके साथ पी जाएगी और हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी कि आप भी जल्दी से जल्दी बच्चे यहाँ पर आएँ और बच्चों को गाइड करें उनके फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए. तो अंकुश काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा आपके साथ, पर्सनली मैंने तो काफ़ी इन्जॉय किया. आपने कई सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए जो आए दिन बच्चों की क्वेरी आती रहती है. तो अंकुश हमारी तरफ से एक छोटा सा अप्रिसिएशन है आपके लिए, आई होप आपको पसंद आएगा. थैंक यू सर. तो मैंने तो पर्सनली काफी एंजॉय किया सेशन. अंकुश आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर इट वाज अ प्लेजर बीइंग हियर, आपसे बात करने को मिला मुझे पर्सनली, और अनअकैडमी में भी मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा ही है जी. तो ऑनलाइन एजुकेशन जो ट्रेंड अभी आप देख रहे हैं उसको आप किस तरह देख रहे हैं अंकुश, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? सर आई विल से इट इज वेरी प्रॉमिसिंग. दोज हु आर करंटली कॉलेज में हैं जो, या फिर कहीं दूर रहते हैं दिल्ली में नहीं आ सकते, तो ऑनलाइन उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है. सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन आराम से कर सकते हैं. और इनफैक्ट आई एम ऑल्सो लॉन्चिंग माई कोर्स ऑन अनअकैडमी, तो आप उसे भी देख सकते हैं. ओके अंकुश, आई होप कि बहुत एक्सीलेंट जाएगा वो भी. यस ओके अंकुश, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर.